हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम कल के मैच का हाल चाल बवाल लेकर आ चुके हैं। कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सबसे पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, फिर उसके बाद हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आए हैरी ब्रुक और मयंक अग्रवाल ने धागा ही तोड़ दिया। हैरी ब्रुक ने बढ़िया शानदार पारी की, 55 गेंदों में 100 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के और 12 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 181 का था। वहीं मयंक अग्रवाल सस्ते में चले गए, 13 बॉल में 9 रन बना के और उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी। वहीं राहुल त्रिपाठी की बात करें, 4 गेंदों में 9 रन बनाकर चले गए जो कि जिसमें 2 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 225 का था। वहीं एडम माकरम भी बहुत बढ़िया पारी खेले, 192 के स्ट्राइक रेट, 26 गेंदों में 50 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अभिषेक शर्मा ने बढ़िया पारी खेली, 17 गेंदों में 32 रनों की जिसमें 3 चौके और 2 छक्के थे। एम क्लासन ने भी 6 गेंदों में 100 रन की पारी खेली जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं केकेआर की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगे उमेश यादव हुए। उन्होंने 3 ओवर में 42 रन लुटाए। लॉकी फर्गूसन ने 2 ओवर में 37 रन लुटाए। 4 ओवर में 28 रन सुनील नारायण ने दिए। वहीं 2.1 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट आंध्र असल ने हासिल किया। वहीं चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। सुयश शर्मा ने 4 ओवर में 44 रन दिए। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 5 गेंदों में 14 रन लुटाए। वहीं बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग की तो गुरबाज अपना खाता ही नहीं खेल पाए और एन जगदीशर ने 26 गेंदों में 31 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 5 चौके 1 छक्के शामिल थे। वहीं वेंकटेश अय्यर ने 11 गेंदों में 10 रन की पारी खेली। सुनील नारायण कुछ खास नहीं कर पाए। कैप्टन नीतीश राणा ने बहुत बढ़िया पारी खेली, 41 गेंदों में 75 रन बनाए। आंध्र असल ने 6 गेंदों में 3 रन की पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह ने 31 गेंदों में 58 रन की पारी खेली, 7 गेंदों में 12 रन की पारी शार्दुल ठाकुर ने खेली। वहीं उमेश यादव ने कुछ खास नहीं इस्तेमाल कर पाए। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 1 मेडन डाला और 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। वहीं मार्को जॉनसन ने 4 ओवर में 37 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। टी नटराजन ने 4 ओवर में 54 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। वहीं उमरान मलिक ने 2 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। मयंक मारकंडे ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल नहीं कर पाए। और हैरी ब्रुक ने बढ़िया शानदार 100 रनों की पारी खेली। फिर उसके बाद कोलकाता की तरफ से 41 गेंदों में 75 रनों की पारी कैप्टन नीतीश राणा ने खेली। वहीं रिंकू सिंह ने शानदार 31 गेंदों में 58 रन बनाए। और हैदराबाद की तरफ से हैरी ब्रुक ने 55 गेंदों में 100 रन बनाए। और वहीं कप्तान एडम माकरम ने 26 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली और अभिषेक शर्मा ने 17 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। फिर उसके बाद आज के मैच का हाल चाल और बवाल देखते हैं। आज 2-2 मैच है, सुपर सैटरडे है, तो कल का मैच आसानी से सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत लिया है।